हाँ जी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू गुड इवनिंग गुरप्रीत गुड इवनिंग मुनीश गुड इवनिंग मनदीप गुड इवनिंग हरप्रीत हाँ जी तो एक बार बच्चों सब लोग बता दो ऑडिबल एंड क्लियर है या नहीं फिर हम लेक्चर शुरू कर लेते हैं आज का एक बार सब लोग बता दीजिए ऑडिबल एंड क्लियर है या नहीं ओके ओडी भले चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर तो आर बी आई टू पैनलाइज बैंक फॉर कैश आउट इन ए टी एम्स देखो ए टी एम के बारे में बात हो रही है तो यहाँ पर आर बी आई क्या बोलता है कि जो भी आ, हमारे पास एक प्रॉब्लम बहुत फ्रिक्वेंटली इंडिया में देखने को मिलती है कि ए टी एम्स के अंदर कैश अवेलेबिलिटी होती ही नहीं है पता चला आप ए टी एम विजिट किए पता उसमें कैश आउट ऑफ कैश तो अब आर बी आई ने कहा कि अगर ऐसा बार बार होगा तो बैंकों के ऊपर पेनल्टी लगेगी तो यहाँ पर आप देखिएगा दस हज़ार की पेनल्टी लगे पर ए टी एम अगर दस घंटे से ज़्यादा एक महीने में अब ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी कि एक एटीएम मशीन अगर दस घंटे से ज्यादा दस घंटे ज़्यादा एक हफ्ते में आउट ऑफ कैश रहेगी तो उसमें दस हजार की पेनल्टी लगेगी बैंक के ऊपर तो एक अच्छा सीन यहां पर हुआ है इससे इससे क्या होगा कि बैंकों को अपने एटीएम को प्रॉपरली मेंटेन करना पड़ेगा जब भी एटीएम की बात आती है पहला क्वेश्चन तो याद रखना एटीएम इन्वेंट किसने किया था यह भी क्वेश्चन पेपर में आ सकता है सो इन्वेंटेड अ स्कॉटिश पर्सन जोन शेफर्ड बैरोन नाम याद रखिएगा जोन शेफर्ड बैरोन इन्होंने 1967 में बच्चे की की इन्वेंशन की थी, ठीक है इनका जन्म भारत में हुआ था सर्व किया करते थे कर, की की विश्व का पहला एटीएम लगा बारे बैंक में बार्सलेस बैंक कहा है लंडन में उसके हेडक्वार्टर पर हमारे पास पहला एटीएम फर्स्ट एटीएम लगाया गया ठीक है इंडिया में पहला एटीएम याद रखना एटीएम की फुल फॉर्म ऑटोमेटिक टेलर मशीन इंडिया का पहला एटीएम मुंबई में लगा इंडिया का पहला एटीएम मुंबई में लगा 1987 में 1987 में कौन से बैंक ने लगाया एच बैंक ने हांगकॉन्ग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन एच एस बी सी बैंक सो डू रिमेंबर दिस बेसिक फैक्ट रिलेटेड टू ए एक और चीज आपको बताना चाहूंगा बच्चे एक होते हैं हमारे पास वाइट लेबल ए एक होते हैं हमारे पास इट लेबल एटीएम ठीक है तो व्हाइट लेबल एटीएम कौन कौन से होते हैं जिनको नॉन बैंकिंग कंपनीज मेंटेन करती हैं जैसे टाटा कैश इंडी कैश ये वो ए होते हैं जिनको नॉन बैंकिंग कंपनीज मेंटेन और ऑपरेट करती हैं तो उनको बोलते हैं व्हाइट लेबल ए तो यहां तक बता दो बच्चों सब कुछ क्लियर है या नहीं जगदीप सिंह अभी नोटिफिकेशन के बारे में कुछ नहीं कह सकते कोविड के बाद से सारा सिस्टम थोड़ा उथल पुथल हो चुका है ठीक है, सो लेबल एटीएम नॉन बैंकिंग एंटिटीज द्वारा मेंटेन और रेगुलेट किए जाते हैं हाँ जी क्लियर और हरियाणा में लगा था पहला ग्रेन एटीएम अभी रिसेंटली ग्रेन जिससे अनाज मिलेगा तो इंडिया का पहला ग्रेन ए टी एम लगाया गया है हरियाणा में दुष्यंत चौटाला ने इसको खुद इनोग्रेट किया था ग्रेन एटीएम ठीक है यहां पर जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उसको ग्रेन अनाज दिया जाएगा हाँ जी यहां तक बच्चे क्लियर चलिए जी नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं सो so, ऑटोमेटिक टेलर मशीन को लेकर अच्छा स्टेप लिया गया है आरबीआई की तरफ से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से नेक्स्ट न्यूज जेम्स एंडरसन बिकेम द था थर्ड हाइस्ट विकेट टेकर इन टेस्ट देखो बच्चे जेम्स एंडरसन जो है वो थर्ड विकेट टेकर बन गए हैं लेकिन खास बात क्या है कि फास्ट बॉलर में नंबर वन है अगर फास्ट बोलर में बात करें क्योंकि सबसे टॉप बॉलर जिन्होंने अब तक सबसे ज्यादा विकेट ली है वो है मुतैया मुरलीधरन ठीक है मुतैया मुरलीधरन आठ सौ ज्यादा विकेट ली हुई है लेकिन फास्ट बॉलर्स में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले पर्सन हमारे पास जेम्स एंडरसन है और कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं इंग्लैंड से डू रिमेंबर कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं इंग्लैंड से ठीक है तो मुतैया मुरलीधरन के यहां आठ सौ ऑस्ट्रेलिया शेन हंड्रेड एट विकेट्स ठीक है और इंडिया में सबसे ऊपर है अनिल कुंबले सिक्स विकेट्स ठीक है हां जी सेक्शनल कट ऑफ ग्रुपी जहां तक है अभी तक रहेगी रहेगी सेक्शनल कट ऑफ की बात तो चली है सेक्शनल कट ऑफ तो रहती है ठीक है हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास बुक आई है सुधा मूर्ति के द्वारा सुधा मूर्ति तो आपको बता दूं कि इनके जो हस्बैंड है नारायण मूर्ति इज वन ऑफ द फाउंडर ऑफ इन्फोसिस ठीक है इनके जो हस्बैंड है वो इन्फोसिस के फाउंडर हैं सुधा मूर्ति तो ये एक फेमस राइटर है बच्चे सुधा मूर्ति की बात करूं एक फिलम हैं कई बार चैरिटी वगैरह करती हैं और साथ में ये भी याद रखिएगा कि एक जानी मानी राइटर भी हैं। तो इन्होंने यहां पर बुक लिखी है हाउ द अर्थ गॉड इट्स ब्यूटी सीधा सीधा क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट व्यू से कि हमारे पास हाँ जी यहां पर याद रखिएगा हाउ द अर्थ गॉड इट्स ब्यूटी की बुक किसने लिखी है सुधा मूर्ति ने ठीक है इन्फोसिस इन्फोसिस के फाउंडर इन्फोसिस के जो चेयरपर्सन है और फाउंडर हैं ठीक है उनके साथ ही असडेड है ठीक है नारायण मूर्ति की वाइफ चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूं इन्फोसिस के करंट सीईओ का नाम क्या जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ इंडिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी में से एक है टीसीएस के बाद दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी हु इज द करंट सीईओ ऑफ इन्फोसिस हाँ एसडीआई में सेक्शनल कट ऑफ नहीं है अभी एम डी एन सी है सलील पारेक ठीक है वेरी गुड सबसे पहले मेरे पास सही आंसर दिया संचिता अरोड़ा ने मनदीप कौर का का सही का सही आंसर आंसर है हरप्रीत है सलील पारे और शीनम सिंगला ने भी सही आंसर दिया वेरी गुड स्टूडेंट्स तो यहां पर इन बच्चों ने सबने सही आंसर दिया नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं वर्ल्ड एलिफेंट डे सीमा ठाकुर का भी सही आंसर ओके वर्ल्ड एलिफेंट डे 12 अगस्त को ऑब्जर्व किया गया वर्ल्ड एलिफेंट डे ठीक है सो अगर हम बात करें इंडिया में एलिफेंट्स को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है ठीक है और मैक्सिमम uh, एलिफेंट्स की अगर हम बात करें तो कई जगह यहाँ पर थीम देख लेना पहले तो सॉरी uh, ईयर जो हमारे पास है uh, एक तो एक तो ये याद रखना बच्चे मैक्सिमम एलिफेंट्स अगर हम बात करें इंडिया में आपको कहाँ मिलेंगे मैक्सिमम एलिफेंट्स की अगर मैं बात करूँ मैक्सिमम एलिफेंट्स इन इंडिया तो आपको ये केरला में मिलेंगे बहुत बड़े लेवल पर आसाम के काजीरंगा नेशनल पार्क में मिलेंगे ठीक है और अामुदी हमारे पास वो एरिया है जहां पर मैक्सिमम लेवल पर आपको एलिफेंट्स देखने को मिलते हैं तो चलिए मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछ लेता हूं वैसे स्टेट वाइज अगर मैं बात करूं स्टेट वाइज तो कर्नाटक सबसे ज्यादा एलिफेंट पॉपुलेशन में नंबर वन है कर्नाटक फर्स्ट स्टेट है लेकिन मैं यहां कह रहा हूं कि अनामुद्दी नेशनल पार्क एक ऐसा नेशनल पार्क है जहां पर बहुत बड़े लेवल पर आपको एलिफेंट्स देखने को मिलते हैं कहा कौन से स्टेट में है नेशनल पार्क अनामु नेशनल पार्क भारत के कौन से राज्य में है हाँ जी हाँ जी बच्चे कर्नाटक में सबसे हमारे पास उसके बाद असम में है केरल में है ठीक है मैक्सिमम इन तीन स्टेट्स में मिलते हैं वेरी गुड सीमा ठाकुर ने सही आंसर किया है सबसे पहले केरला सो अन्ना बुद्धि नेशनल पार्क इज इन केरला शीनम सिंगला जी बच्चे वीडियो बिल्कुल क्लियर है आप अपना थोड़ा कनेक्शन चेक कीजिए यहाँ पर बिल्कुल क्लैरिटी के साथ वीडियो चल रहा है बच्चे वीडियो बिल्कुल क्लैरिटी के साथ चल रहे तो आप ये अपना कनेक्शन जो है वो थोड़ा देख लीजिए संचिता अरोड़ा अरोप कौर गुरप्रीत कौर सब सही आंसर दे रहे हैं केरला ठीक है सो मोदी नेशनल पार्क इज इन केरला नेक्स्ट हमारे पास इंटरनेशनल यूथ डे तो 12 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल यूथ डे सो थीम देख लीजिएगा थीम जो यहां पर रही ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लानिटरी हेल्थ तो ये हमारे पास अगर हम बात करें ये यूएन के कहने पर हम ऑब्जर्व करते हैं ठीक है अगर हमारे पास अगर हम बात करें नेशनल यूथ डे की तो 12 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है नेशनल यूथ डे इन इंडिया ये भी याद रखना नेशनल यूथ डे कब ऑब्जर्व किया जाता है बारह जनवरी को नेशनल यूथ डे होता है बारह जनवरी को और ये याद रखना इंटरनेशनल यूथ डे कब होता है हमारे पास अगस्त 12 को तो डे डेट दोनों में सेम है 12 मंथ चेंज होते हैं मंथ नेशनल में हमारे पास आप देखिए इस तरह से याद रखिएगा कि नेशन कम्स फर्स्ट हमारे लिए देश पहले है तो जनवरी पहले हां जी क्लियर और अगस्त बाद में सो 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे 12 जनवरी को हमारे पास नेशनल यूथ डे स्वामी विवेकानंद की याद में हम ऑब्जर्व करते हैं 1984 से चलिए जी नेक्स्ट हमारे पास राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवक अभियान स्वास्थ्य सेवक अभियान तो हमारे पास चीफ मिनिस्टर ऑफ योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी योगी आदित्यनाथ ने ये मिशन लॉन्च किया है लखनऊ में ठीक है हेल्थ वॉरियर और हेल्थ वॉरियर पोर्टल भी लॉन्च किया है इसमें क्या होगा कि जो हमारे पास हेल्थ वर्कर्स हैं उनको कोविड से लड़ने की ट्रेनिंग दी जाएगी बेसिकली थर्ड वेव को टैकल करने के लिए सब किया गया था ऑल थर्ड वेव के चांसेस अब डिमिनिश होते दिखाई दे रहे हैं अच्छा है कि अगर थर्ड वेड ना ही दिखाई दे जब भी देखो हेल्थ की बात आती है तो एक फुल फॉर्म हमेशा याद रखना बच्चे हमारे पास कई बार बैंक एग्जाम में भी उसको लेकर क्वेश्चन एग्रीगेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट फॉर्म याद रखिएगा आशा की फॉर्म डू रिमेंबर द फॉर्म ऑफ आशा ठीक है एग्रीगेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट ठीक है तो ये हमारे पास आशा की फुल फॉर्म है तो गांव लेवल पर यह आशा वर्कर्स काम करते हैं लोगों को जो प्रॉब्लम्स है उनसे बचाने के लिए चलिए जी नेक्स्ट हमारे पास राजीव गांधी अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन आई सेक्टर अब देखो यहां पर एक कॉन्ट्रवर्सी छिड़ गई थी जब हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया हमारे पास आ, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदल कर किसके नाम पर रख दिया मेजर ध्यानचंद के नाम पर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड तो यहाँ पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्या किया ऑल दो महाराष्ट्र में हमारे पास कौन सी सरकार है महाराष्ट्र विकास आगाड़ी एम ए महाराष्ट्र विकास आगाड़ी नाम से एक कोलेजन रूल कर रहा है तो यहां पर इन्होंने महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उसके बाद क्या किया कि राजीव गांधी के नाम पर आईटी सेक्टर में एक नया अवॉर्ड शुरू करने की बात की गई है तो सीधा सीधा क्वेश्चन बच्चे कि किसके नाम पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने या किस स्टेट ने आईटी सेक्टर में अवॉर्ड देने की बात की है सो दैट महाराष्ट्र जी क्लियर पटवारी में आई थी फॉर्म प्रियंका बोल रहे हैं आशा की आशा की फॉर्म बच्चे बहुत एग्जाम्स में आती है आशा की फॉर्म जो है वो कई सारे एग्जाम्स में पूछ ली जाती है बच्चे तो अगर हम बात करें सद्भावना दिवस राजीव गांधी के बर्थडे पे ऑब्जर्व किया जाता है कब किया जाता है सद्भावना दिवस जल्दी से बता दो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके <coughs> सद्भावना दिवस वैसे लिखा हुआ है नोट यहां पर अगर आप देखो थोड़ा सा अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है सद्भावना दिवस यहां पर सद्भावना दिवस नहीं लिखा हुआ लेकिन राजीव गांधी का बर्थडे लिखा हुआ है तो राज वेरी गुड हमारे पास शंकी कटोरी और मंदीप कोरो फिर भी आंसर दे चुके हैं हमारे पास राजीव गांधी के बर्थडे को ऑब्जर्व करते हैं सद्भावना दिवस के रूप में Next, हमारे पास हंड्रेड गीगा अब याद रखना बहुत कि हमारे पास, गीगा हमारे पास इंडिया जो है रेन्यूएबल एनर्जी से प्रोड्यूस कर रहा है लेकिन अभी मैक्सिमम एनर्जी आती है थर्मल पावर प्लांट से अभी मैक्सिमम एनर्जी किससे आती है थर्मल पावर प्लांट से इंडिया का टारगेट कितना है <coughs> टारगेट है चार सौ गीगा वोट ऑफ रेन्यू एनर्जी बाई ट्वेंटी थर्टी हाँ जी क्लियर चीज याद रखिएगा क्योंकि पहले हमारे पास हमने जो रखा था, वो थोड़ा कम रखा था लेकिन अब यह हमारा मेन टारगेट अब साढ़े चार सौ गीगा वोट रेन्य प्रोड्यूस करना ठीक है तो हमारे पास अगर हम बात करें फोर्थ पोजिशन इन टर्म्स ऑफ रेन्य चौथे नंबर पर सबसे हम प्रोड्यूस कर रहे हैं लेकिन हमारे दे पास देखो पोटेंशियल है पोटेंशियल कैसे है बच्चे हाउ वी गॉट पोटेंशियल जो कोस्ट लाइन है हमारी कोस्ट लाइन है वो हमारे पास इतनी लंबी है पचहत्तर सौ किलोमीटर लॉन्ग है वहां पर हम विंड टर्बाइन लगा सकते हैं भारत जो है ऐसे एरिया में लाई करते हैं जब सनलाइट रहती है अवेलेबल तो सनलाइट को भी हम हार्नेस कर सकते हैं विंड एनर्जी को भी हार्नेस कर सकते हैं तो इसलिए यहां पर लक्ष्य रखा गया साढ़े चार सौ गीगा और सोलर एनर्जी में अगर हम बात करें कई सारी स्कीम्स चल रही हैं सोलर एनर्जी को लेकर और इन सब स्कीम्स को भारत में और पूरे वर्ल्ड में प्रमोट कौन कर रहा है इंटरनेशनल सोलर अलाइंस आई एस ए आई एस ए संस्था है इंटरनेशनल सोलर अलाइंस गुरुग्राम से ऑपरेट करती है ये हेडक्वार्टर गुरुग्राम में इंटरनेशनल सोलर अलाइंस का तो याद रखिएगा कि टारगेट क्या रहता है कि हमारे पास इंपॉर्टेंट टारगेट क्या है बच्चे इंपॉर्टेंट टारगेट है कि टू प्रोड्यूस फिफ्टीन्योलर एनर्जी को भी प्रमोट करना तो आई एस ए काम यही रहता है आप देख रहे हैं कि बच्चे आईपीओ ने जा रहे हैं इसका भी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग ठीक है तो आपसे पूछा कौन से सेक्टर में गवर्नमेंट पच्चीस परसेंट जो स्टेट है वो बेचने जा रही है तो यहां पर हम बात कर रहे हैं किसकी नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन की याद रखिएगा हमारे पास इज नोन टू बी नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन अच्छा एक चीज और बच्चे। इन सबको मैनेज कौन करता है ये जो हमारे पास आईपीओ वगैरह होते हैं तो इनको बेचने कितने हिस्सेदारी बेचनी है सबको मैनेज करने के लिए एक डिपार्टमेंट काम करता है डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट और आईपीओ को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको लेनी पड़ती है सेबी से, से परमिशन आईपीओ को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको किससे परमिशन लेनी पड़ती है सेबी से, से परमिशन लेनी पड़ती है हाँ जी क्लियर <coughs> तो एक मिली रतन कंपनी हमारे पास नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन न्यू नई दिल्ली से इसका हेडक्वार्टर इसके अलावा एल का भी आईपीओ गवर्नमेंट करने का मूड बना चुकी है अच्छा मेरे को आप ये बता दो गवर्नमेंट का कितना डिस का टारगेट है हां जी गवर्नमेंट का कितना डिस का टारगेट है कमेंट नहीं आ रहा थोड़ा जल्दी कमेंट किया करो वेरी गुड सीमा ठाकुर ने आंसर दे दिया वन पॉइंट सेवन फाइव लैख करोड़ ठीक है वन पॉइंट सेवन मनदीप ने संजीता ने सीमा ने वन पॉइंट सेवन फाइव लैख करोड़ का डिसमेंट का टारगेट गवर्नमेंट ने सेट किया है हां जी क्लियर <coughs> नंबर याद रखना बहुत बड़ा नंबर है वन पॉइंट सेवन फाइव लाख करोड़ ठीक है सो इस टारगेट को एग्जीक्यूट करने में हमारे पास जिस डिपार्टमेंट को मेनली काम करना पड़ेगा दैट इज डीपैम डिपार्टमेंट ऑफ हाँ जी डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट ठीक है तो ये चीज हमारे पास याद रखिएगा और हमारे पास इसीलिए डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज को फाइनेंस मिनिस्ट्री में ऐड किया गया है यह भी याद रखना रखना कि डिपार्टमेंट ऑफ

ओके okay, संचिता अरोड़ा ने सबसे पहले सही आंसर दिया बच्चे वेरी गुड तो हमारे पास अगर हम बात करें बच्चे अब हमारे पास टोटल छह डिपार्टमेंट हो गए हैं ठीक है पब्लिक एंटरप्राइज के आने के बाद डिपार्टमेंट हो गए छह पहले कितने डिपार्टमेंट थे पहले डिपार्टमेंट थे पांच अब टोटल छह डिपार्टमेंट हो गए संचिता अरोड़ा सीमा ठाकुर मंदीप गुरप्रीत इन सब ने सही आंसर दिया वेरी गुड बच्चे चलिए जी नेक्स्ट हमारे पास जीएस इसरो जीएसएलवी एस एफ टेन रॉकेट फेल्स टू पट ई ओ एस सेटेलाइट इन टू द ऑर्बिट अभी देखो बच्चे हमारे पास अगर हम बात करें एक, एक आ, हमारे पास बुरी न्यूज थी हमारे पास कि क्या हुआ था कि इसरो का एक यहां पर मिशन फेल हो गया था वो क्या जी एस एलवी दिखलो इंक्रोन ऑर्बिट तो जहां जहां भी सेटेलाइट लॉन्चिंग की बात आती है तो हमारी सेटेलाइट लॉन्चिंग कहां हो से होती है सतीश धवन स्पेस सेंटर श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश ठीक है सतीश धवन स्पेस सेंटर श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश तो ये चीज याद रखिएगा बच्चे सीधा सीधा क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम पॉइंट एग्जाम्पॉइट की करंट चेयरमैन है ठीक है के जो इसरो के करंट चेयरमैन और इसरो की जो कंपनी ठीक है इसरो की जो कंपनी हमारे पास जो इस सब को डील करती है ठीक है इसरो की जो कमर्शियल आर्म जो पैसे लेकर सैटेलाइट्स को लॉन्च करती है वो है अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन अभी अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन न्यूज में थी क्योंकि हमारे पास क्या हुआ बच्चे कि इसने डेवोस के साथ एक डील की थी डेवोस ग्रुप था हमारे पास डेवोस अंतरिक्ष डील थी एक डेवोस अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन एक डील थी जिसको हमारे पास एनसी क्लैट ने एनसी ने क्या किया है एक फ्रॉड एग्रीमेंट बताया है हाँ जी मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चे अंतरिक्ष देवास केस था हमारे पास इट्स देवास मैं स्पेलिंग थोड़े से गलत लिख दिए

अंतरिक्ष कॉरपोरेशन ने एक खबर दी पूरे विश्व को कि इसरो बहुत जल्द एक सैटेलाइट लॉन्च करेगी जिसके थूर, जिसके थ्रू थ्रू पूरे इंडिया में सैटेलाइट फोन काम कर सकते हैं मतलब एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च होगी अब ये सैटेलाइट फोन क्या होते हैं मान लो आप इंडिया में कई एरियाज में जाते हो दूर दराज के इलाकों में पहाड़ी एरियाज में तो आपकी नेटवर्क चली जाती है लेकिन ये सैटेलाइट फोन जो होते हैं ये हर जगह काम करते हैं अब जैसे मान लो टेक द एग्जांपल जब गवर्नमेंट नेट बंद करना होता है तो गवर्नमेंट क्या बोलते हैं कि भाई हम नेट बंद कर रहे हैं इस पर्टिकुलर एरिया का यहां इंटरनेट नहीं चलेगा यहाँ मोबाइल नहीं चलेगा लेकिन सेटेलाइट फोन फिर भी काम करते हैं बच्चे अब वो ऑबियसली नाम से पता चल रहा है सेटलाइट के थ्रू काम करते हैं तो अंतरिक्ष कॉरपोरेशन ने खबर दी कि हम एक सैटेलाइट लॉन्च करेंगे जिससे सैटेलाइट फोन चलाए जा सकते हैं तो देवास नाम के ग्रुप ने इनके साथ टाई अप कर लिया देवास नाम के ग्रुप ने इनके साथ टाई अप कर लिया कि आप हमें अपनी सेटेलाइट का एक्सेस दो और हम उसके लिए आपको लाइक कुछ पैसे देंगे और फिर हम थ्रू आउट द इंडिया सेटेलाइट फोन सप्लाई करेंगे

रिटायरमेंट के बाद आप मुझे अपने ऑफिस में रखेंगे एक्चुअली कहा जा रहा है कि देवास के अंदर उन्हीं का शेयर भी था वो मालिक भी थे एक तरह से तो अभी रिसेंटली न्यूज क्या आई है हमारे पास ध्यान ध्यान से से सुनिएगा सुनिएगा बच्चे हाँ जी अभी हमारे पास ध्यान से कि हमारे पास पास न्यूज कि इस डील को ही हमारे पास इस डील को ही क्या किया गया है अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है किसने नेशनल कंपनी लो एपीलेट ट्रिब्यूनल ने फुल फॉर्म याद रखेगा नेशनल कंपनी लो एपीलेट ट्रिब्यूनल ठीक है इसने हमारे पास क्या किया है इस डील को जो आज से कई साल पहले हुई थी उसको हमारे पास क्या किया है अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है तो ये हमारे पास नेशनल कंपनी लॉ एपीलेट ट्रिब्यूनल लॉ एपिलेट ट्रिब्यूनल ये हमारे पास 2013 में एक्ट के थ्रू बना था ठीक है और मतलब कंपनीज एक्ट 2013 के थ्रू 2016 से इसने काम करना शुरू कर दिया था प्रॉपरली थी, ठीक है सो ये याद रखिएगा हमारे पास इसके करंट जी इसके करंट हेड कौन ने? है नेशनल कंपनी लो एपिलेट ट्रिब्यूनल के करंट हेड कौन है बताएगा मुझे, मुझे कोई एपिलेट नेशनल कंपनी लो एपिलेट ट्रिब्यूनल के करंट हेड कौन है आपसे ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी डील को एनसी क्लाइट ने नेशनल कंपनी लो एपिलेट ट्रिब्यूनल ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है तो डेवास अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन डील थी ठीक है Uh, मेरे अकॉर्डिंग हमारे पास बच्चे अगर हम बात करें इसको लीड कौन कर रहे हैं राइट नाउ जस्टिस बंसीलाल भट्ट ठीक है बंसीलाल भट्ट नेशनल

देश के क्वेश्चन में तो आपने सीधा सीधा याद रखना okay, अच्छा है कि जो में आती हैं जैसे हमारे पास जो वाटर बॉटल्स है हाँ जी क्लियर और भी जो हमारे पास डेली के जो फूड आइटम सर्व होते हैं स्पेशली जो फास्ट फूड सर्व होता है जोमेटो स्विगी के थ्रू उसमें भी हमारे पास बहुत जगह सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स का यूज होता है तो यहाँ पर गवर्नमेंट क्या है कि हमारे पास प्लास्टिक कैरी बैग्स जो हमारे पास 75 माइक्रोन से कम मोटाई वाले हैं जिनकी मोटाई 75 माइक्रोन से कम है वो भी अलाउड नहीं होंगे और सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर देंगे 2022 तक लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कुछ हो पाएगा हाँ जी क्लियर क्योंकि प्लास्टिक बैग्स तो काफी सालों से बैन करने की बात चल रही है लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हो नहीं पाया जी क्लियर ओके नेक्स्ट हमारे पास रैमसर साइट्स को लेकर क्वेश्चन आ जाता है बच्चे यहां पर याद रखेगा रैमसर एक जगह का नाम है जो कि ईरान में है पहली बात तो आप याद रैमसर हमारे पास एक जगह का नाम है जो कि ईरान में है रैमसर कन्वेंशन हुई थी और इसमें किसके लेकर बात की जाती है वेटलैंड को लेकर अब ये वेटलैंड क्या होते हैं ऐसे एरियाज जो हमारे पास वाटर के इंपॉर्टेंट सोर्सेस हैं तो ये वेटलैंड को लेकर वेटलैंड कंजर्वेशन को लेकर रैमसर साइड डील करती है ठीक है वेटलैंड कंजर्वेशन को लेकर तो अभी तक हरियाणा में अगर हम बात करें कोई रैमसर साइट नहीं थी तो यहां पर अगर हम देखें तो नई रैमसर साइट्स आई हैं चार और वेटलैंड साइड साइड हुई हैं दो गुजरात से ठीक है और दो हरियाणा से ठीक है सो द कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स अंडर द रैमसर कन्वेंशन सब की पॉइंट्स देख लेते हैं यहां पर जो है कौन कौन सी साइट्स यहां पर आई हैं देख लीजिए सबसे पहले थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुजरात में वाधवा वेटलैंड गुजरात में सुल्तानपुर नेशनल पार्क गुड़गांव हरियाणा और भिंडवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी झज्जर हरियाणा तो दो झज्जर से हैं, ठीक है और सॉरी दो हरियाणा से हैं और दो गुजरात से और टोटल रैमसर साइट्स इंडिया में कितनी हो गई है फोर्टी सिक्स सीधा क्वेश्चन देख बच्चे संजीता रोड़ा, एक बार चेक कर कोई बात नहीं अगर कुछ इश्यू है इसमें तो मैं चेक ज़रूर कर ठीक है अभी भारत में याद रखना रैमसर रैम रैम कन्वेंशन जो थी, कन्वेंशन जो थी हमारे पास उसके बारे में याद रख लेना रैमसर कन्वेंशन जो है वो ही थी वेटलैंड प्रोटेक्शन को लेकर और इसमें तसोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स को भी ऐड किया गया था लद्दाख से ठीक है कुछ टाइम पहले हाँ जी क्लियर तो सोकर जो हमारे पास वर्ल्ड के हाईएस्ट वेटलैंड में से एक है रैमसर कन्वेंशन कब आई थी 1971 में ये भी नोट डाउन कर लेना रैमसर कन्वेंशन कब आई थी 1971 में ठीक है और इंडिया जो है इसका मेंबर है रैमसर कन्वेंशन का और रैमसर कन्वेंशन इज ऑल्सो नोन कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड यह भी याद रख लेना रैमसर कन्वेंशन को कि और किस नाम से जानता है जाना जाता है कन्वेंशन ऑफ Wetlands, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड्स में इंडिया में कितनी साइट्स हैं? तो आंसर याद रखिएगा कन्वेंशन ऑल्सो नोन कन्वेंशन ऑफ तो इसमें हमारे पास टोटल 46 सिक्स साइट्स है ठीक है और भारत में सबसे बड़ी रैमसर साइट है सुंदरबन ठीक है भारत में सबसे बड़ी रैमसर साइट है सुंदरबन चलो एक क्वेश्चन पूछता हूं बच्चे भारत में किस स्टेट में मैक्सिमम रैमसर साइट्स हैं भारत में किस स्टेट में मैक्सिमम रैमसर साइट्स हैं जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ मैक्सिमम रैमसर साइट्स <coughs> कौर कह रहे हैं महाराष्ट्र नहीं बच्चे महाराष्ट्र गलत है सही आंसर है उत्तर प्रदेश ठीक है आठ वेटलैंड साइड हैं ठीक है याद रख लेना मैक्सिम रैमसर रैम साइड्स है यूपी में और यहां पर कितनी रैमसर साइड हैं एट सो मैक्सिमम रैमसर साइड यूपी में है एट और पूरे भारत में रैमसर ठीक है बेसिक फैक्ट्स याद रखना ठीक है प्रियंका दीवान ने सही आंसर दिया है यूपी नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट 2021 इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट 2021 तो हमारे पास इन्वेस्ट इंडिया द नेशनल इन्होंने क्या कहा इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट 2021 को इंडिया ने को ऑर्गेनाइजर की तरह एक तरह से मैनेज किया है यहां पर हाइड्रोजन इकोसिस्टम बनाने की बात हो रही है देखो हाइड्रोजन का यूज एज अ फ्यूल करने की बात चल रही है देखो हाइड्रोजन के साथ दिक्कत यह है कि इसको एज अ फ्यूल यूज करना थोड़ा मुश्किल आता क्योंकि हैंडलिंग बहुत मुश्किल है हैंडलिंग मुश्किल क्यों है क्योंकि हमारे पास बच्चे हाइड्रोजन को लेकर हैंडलिंग इसलिए मुश्किल है क्योंकि इसमें एनर्जी इतनी ज्यादा है कि अगर प्रॉपरली हैंडल ना किया जाए तो ब्लास्ट होने के चांसेस रहते हैं ठीक है नहीं तो हाइड्रोजन को कार चलाने के लिए भी आप यूज कर सकते थे चलिए नेक्स्ट हमारे पास इंडिया 69 चेस ग्रैंड मास्टर तो यहां पर आप देखिएगा चेस ग्रैंड ग्रैंड मास्टर खिताब देता कौन है फाइड ठीक है चेस ग्रैंड मास्टर का खिताब देता कौन है पहले तो आपको मैं ये बता फाइड नाम से जो ऑर्गेनाइजेशन जो चेस को रेगुलेटर मेंटेन करती है तो इंडिया में ट्वेंटी राजा पुणे से हैं जो सिक्सटी नाइन ग्रैंड मास्टर बन गए हैं ठीक है सो यू नो ये हमारे पास अगर हम बात करें तो चेस नेशनल चेस चैंपियनशिप टू थाउजेंड फोर्टीन में ठीक है इन्होंने सिल्वर मेडल भी जीता था वो सब खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपने दो चीजें याद रखनी है कि हर्षित राजा एक चेस प्लेयर है दूसरी बात हमारे पास हाँ जी संचिता ऋत्विक मैं वेरी गुड संचिता राजा ऋत्विक जो है वो ग्रैंड मास्टर है वेरी गुड संचिता बहुत अच्छे ठीक है संचिता अरोड़ा ने बहुत अच्छा आंसर किया कि राजा ऋत्विक जो है सेवनटीए ग्रैंड मास्टर इंडिया से फाइड के बारे में बात कर लेते हैं फाइड का हेडक्वार्टर याद रखना बच्चे वेर इज द द्वार्टर ऑफ फाइड हाँ जी फाइड हमारे पास इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के नाम से जानते हैं लोसैन स्विट्जरलैंड में इसका मेंटर है ये याद रख लेना फाइड का जो हेडक्वार्टर है लोसैन में उसका हेडक्वार्टर है ठीक है लोसैन में आपको देखने मिलेगा फाइड का हेडक्वार्टर चलिए जी नेक्स्ट हमारे पास बुक टाइटल रामा राव द स्टोरी ऑफ इंडिया फार्म क्राइसिस ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है बच्चे क्योंकि अगर आप अभी देख रहे हो कि हमारे इंडिया में फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है अभी मंडे को आपको बता था भारत बंद ऑर्गेनाइज किया गया था वेरियस किसान यूनियन ने ठीक है सो so, हमारे पास अगर हम बात करें फार्म क्राइसिस को लेकर राव द स्टोरी ऑफ इंडियन फार्म क्राइसिस, ये हमारे पास आ, रूरल जर्नलिस्ट जयदीप हार्दिकर ने ठीक है एक बुक लिखी है ओके okay, इंडियन फार्म क्राइसिस तो क्राइसिस फेस बाय द फार्मर जी क्लियर तो ये याद रख लेना फार्मर क्राइसिस को लेकर अगर कोई भी बुक आ रही है तो यहां पर <coughs> यहाँ पर हमारे पास उसको लेकर क्वेश्चन आ सकता है ओके okay, गुरप्रीत कौर भी कुछ बता रही हैं अभिमन्यु मिश्रा यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर वेरी गुड गुरप्रीत ठीक है अभिमन्यु मिश्रा को यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर का भी किताब मिला था ये इंडियन यूएस ओरिजिन से है आई गेस ठीक है वेरी गुड गुरप्रीत गुरप्रीत भी अच्छा बच्चे आप कमेंट करते रहिए इस तरह से तो क्या होता है कि लगता है कि हाँ सही तरीके से चल रहा है सब कुछ और बच्चों को समझ भी आ रहा है ठीक है ओके नेक्स्ट हमारे पास प्री डायबिटीज को लेकर हमारे पास बात हो रही है तो यहां पर याद रखिएगा बच्चे कि डे को लेकर क्वेश्चन है तो डे को लेकर अगर हम बात करें प्री डायबिटीज चौदह अगस्त को हमारे पास ऑब्जर्व किया जाता है प्री डायबिटीज डे ठीक है फोर्टीन ऑफ अगस्त को एक बात इसमें याद रखिएगा कि वर्ल्ड डायबिटीज डे चौदह नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है ठीक है वर्ल्ड डायबिटीज डे ऑबजर्व ऑन फोर्टींथ ऑफ नवंबर तो ऑब्वियसली आप देखिएगा प्री जो होगा वो पहले ही आएगा ठीक है तो प्री आएगा हमारे पास अगस्त में ठीक है प्री आएगा अगस्त में और डायबिटीज डे आएगा हमारे पास कब नवंबर में

होरर्स रिमेम्बर्स डे के रूप में हम फोर्टीन अगस्त को यूज करें हाँ जी संजीता बता रहे हैं डायबिटीज अकर्ड टू इंसुलिन लेवल बिल्कुल जी इंसुलिन जो हमारी बॉडी में होता है वो शुगर लेवल को कंट्रोल और रेगुलेट करता है ठीक है दो तरह की डायबिटीज होती है टाइप वन एंड टाइप टू एक में क्या होता है कि बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं कर पाती और दूसरे में बॉडी इंसुलिन प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर पाती तो टाइप वन टाइप टू डायबिटीज हमारे पास देखने को मिलती है हाँ जी क्लियर देर आर टू टाइप ऑफ डायबिटीज ठीक है और जनरली डायबिटीज का जो रीजन रहता है वो है इंसुलिन हाँ जी हानी जी इसकी पी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी ठीक है चलिए नेक्स्ट हमारे पास फर्स्ट इंडियन स्टेट टू डी रिकोगनाइज कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट तो यहाँ पर आप देखिएगा कि अगस्त इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपल नाइन्थ ऑफ अगस्त चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़ कौन है भूपेश बागल उन्होंने रिकोगनाइज़ किया है फॉरेस्ट रिसोर्स राइट इन अर्बन एरिया ठीक है फॉरेस्ट रिसोर्स राइट इन अर्बन एरिया मेकिंग द फर्स्ट स्टेट टू डू सो तो यहाँ पर क्या होगा कि हमारे पास बेसिकली आपको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कम्युनिटी फॉर फॉरेस्ट रिसोर्स राइट रिकॉग्नाइज करने वाली पहली स्टेट कौन सी बनी है बस आप ये याद रख लीजिएगा दैट इज छत्तीसगढ़ जी क्लियर एग्जाम पॉइंट से सीधा सीधा क्वेश्चन कोई इनडायरेक्ट क्वेश्चन नहीं कोई इसमें बात नहीं चलो आपसे मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूं बोल दो हमारे पास राइट टू सिट बिल किसने इंट्रोड्यूस किया था भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग uh... हां जी किस स्टेट ने इंट्रोड्यूस किया था सेप्टेंबर की बात है राइट टू सिट जी कि बड़ा अच्छा बिल था राइट टू राइट टू सिट की हमारे पास जितने भी कंपनीज में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लाय काम कर रहे हैं तो उनको बैठकर काम करने का अधिकार मिले राइट टू सिट किस स्टेट ने ऐसा कोई बिल इंट्रोड्यूस किया था सेप्टेंबर की बात है वेरी गुड संचिता अरोड़ा निधि गुप्ता दोनों ने सही आंसर किया है तमिलनाडु जिन बच्चों को नहीं पता वो नोट डाउन कर लेना कि राइट टू सिट नाम से हमारे पास एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया था तमिलनाडु स्टेट के द्वारा यहां पर बात की गई कि सभी इंप्लाइज को बैठने का अधिकार दिया जाए मनदीप कौर निधि गुप्ता संजीता आंसर दिया है वेरी गुड बाकी बच्चों जिनको नहीं पता वो नोट डाउन कर लेना इस चीज को ठीक है नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे पास फर्स्ट इंडिया फर्स्ट ड्रोन फोरेंसिक लैब एंड रिसर्च सेंटर देखो ड्रोन का आजकल यूज जो है वो बढ़ता जा रहा है तो एक फोरेंसिक लैब और रिसर्च सेंटर कहां इनोग्रेट किया गया है केरला में ठीक है केरला में भी कहां पे तिरुवंतपुरम में आप मुझे बता दो बच्चे एक ड्रोन प्रोटेक्शन सिस्टम बनाया गया था हाँ जी इंडिया में एक ड्रोन प्रोटेक्शन सिस्टम बनाया गया था दिल्ली के लिए हाँ जी किस नाम से <coughs> सीमा ठाकुर ने सबसे पहले आंसर कर दिया वेरी गुड इंद्रजाल के नाम से ठीक है इंद्रजाल के नाम से एक सिस्टम बनाया गया था, जिसमें ड्रोन से प्रोटेक्शन दी जाएगी मतलब कि जो ड्रोन आमले हैं, उनसे कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट किया जाए तो उसके लिए इंद्रजाल नाम से एक सिस्टम बनाया गया था याद रखिएगा एग्जाम पॉइंट रेलिवेंट और इंपॉर्टेंट चलिए जी नेक्स्ट न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं <coughs> प्रियंका दिवान ने भी सही आंसर दिया है मनदीप कौर ने भी सही आंसर दिया है चलिए नेक्स्ट पीएम जेडी वाई कंप्लीट सेवंथ एनिवर्सरी हाँ जी प्रधानमंत्री जनधन योजना ये तो आपको पता होना चाहिए प्रधानमंत्री जनधन योजना के सात साल पूरे हो चुके हैं ठीक है सो नेशनल मिशन फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन अगर आपसे कोई भी पूछ ले कि जनधन योजना क्यों शुरू की गई थी तो ये हमारे पास शुरू की गई थी टू इंप्रूव फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द कंट्री इसको हिंदी में बोलते हैं संपूर्ण वित्तीय समावेश में बोलते संपूर्ण वित्तीय समावेश फाइनेंशियल तो इंक्लूजन को इंप्रूव करने के लिए हमारे पास चलाई गई थी प्रधानमंत्री जनधन योजना ठीक है जिसको हमारे पास जो कंप्लीट हुई जिसकी सेवेंथ एनिवर्सरी थी पंद्रह अगस्त दो को हाँ जी क्लियर सो पंद्रह अगस्त दो को हमारे पास ये शुरू की गई थी इससे पहले हमारे पास इंडिया में जो अकाउंट हुआ करते थे जो हमारे पास जीरो डिपॉजिट अकाउंट थे उनकी फुल फॉर्म याद रख लेना है एस बी अकाउंट जो जीरो बैलेंस पे खुला करते हैं बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट ठीक है बी एस बी डी ए फुल याद रख लेना बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है बच्चे जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन फाइनेंशियल इंक्लूजन की डेफिनेशन समझने की कोशिश कीजिएगा टू प्रोवाइड ध्यान सुनिएगा फाइनेंशियल इंक्लूजन की डेफिनेशन क्या होती है टू प्रोवाइड बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज

प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना दे ऑल्सो पार्ट ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन ठीक है चलिए नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं इंडिया सेवेंटी इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन तो हमारे पास सेवेंटी इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशन हुई ठीक है तो रेड फोर्ट पे आपको पता है ये सारी सेलिब्रेशन कंडक्ट की जाती हैं तो यहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने विजन रखी सबका साथ सबका विकास एंड सबका प्रयास ठीक है इस बार यहां पर वर्ड्स यूज किए जरा देख लीजिए लेकिन किसानों को तो भूल रखे हैं चलो खैर अब मैं क्या ही कहूं इसके बारे में बट यहां पर अगर हम बात करें यहां पर एक प्रोग्राम की बात की है उन्होंने गति शक्ति मास्टर प्लान फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर अब आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि मास्टर प्लान फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर उसका नाम क्या है तो गति शक्ति ठीक है गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर तो यहाँ पर नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर प्लान जो कि होलिस्टिक अप्रोच पे काम करेगा इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स को बूस्टअप करेगा 100 लाख करोड़ सो लाख करोड़ रुपए जो है एलोकेट किए गए हैं गति शक्ति प्रोग्राम के लिए 75 वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएंगी याद रखना वंदे भारत ट्रेन राइट नाउ फास्टेस्ट ट्रेन इंडिया में ठीक है जिनको ट्रेन एटीन के नाम से भी जाना जाता है और इनकी मैन्युफैक्चरिंग कौन करता है भारत में जी मेरे को जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो वंदे भारत ट्रेन की मैन्युफैक्चरिंग कहां होती है हाँ जी सिंपल सा क्वेश्चन था यार इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में ठीक है वंदे भारत ट्रेन्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में और पचहत्तर ऐसी ट्रेन लाने का फैसला किया गया है जो इंडिया की फास्टेस्ट ट्रेन है ठीक है सेवेंटी फाइव ऐसी ट्रेन शक्ति ट्रेन एटीन और यहाँ पर सेवेंटी फाइव ईयर्स ऑफ सेवेंटी फाइव विक्स ऑफ अमृत महोत्सव इंडिपेंडेंस डे को कनेक्ट किया जाएगा लोगों के साथ और हमारे पास लोगों को फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में जागरूक करने की कोशिश की जाएगी उसके अलावा हमारे पास देखेगा फोर्टीफाइड राइस बाय 2024 ऐसे राइस इंट्रोड्यूस किए जाएंगे जिनसे न्यूट्रिशन लेवल इंप्रूव हो सके टू फाइट द माल न्यूट्रिशन फोर्टी राइस इंट्रोड्यूस किए जाएंगे 2024 तक तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है ठीक है और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मिड डे मील स्कीम इनको भी बाकी लोगों तक पहुंचा जाएगा दो तक सैनिक स्कूल फॉर गर्ल्स पहली बार अनाउंस हुए हैं कि भारत में सैनिक स्कूल खोले जाएंगे गर्ल्स फॉर द फर्स्ट टाइम ठीक है

फिर संचिता अरोड़ा ने फिर आ, हमारे पास गुरप्रीत शीनम और गुरप्रीत कौर इन सब ने सही आंसर दिया वेरी गुड स्टूडेंट्स हाँ जी यहां पर किसी को कोई डाउट है तो एक बार मुझे बता दो जल्दी से ओके चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट इंडिया ई एस टू साइन एक्शन प्लान टू बूस्ट ट्रेड हां जी ईस्ट अफ्रीकन कम्युनिटी ठीक है तो इनके साथ एक टाइप हुआ है ठीक है ताकि ट्रेड को कहीं ना कहीं बढ़ावा दिया जा सके देखो आने वाले टाइम में ना अफ्रीका एक ऐसी कंट्री होगा जो काफी हद तक हमारे पास वो काम करेगा ठीक है अफ्रीका हमारे पास वो काम करेगा जो अभी एशिया कर रहा है वहां पर इन्वेस्टमेंट बहुत भारी होगी डिमांड क्रिएट होगी और बहुत सारे प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट होगी संचित अरोड़ा पूछ रहे यूको बैंक जो पीसीए से बाहर आया है क्या वो फाइनेंशियल इंक्लूजन से आया नहीं बच्चे पीसीए से बाहर आने का मतलब क्या पहले तो आप ये समझो पीसीए होता क्या है वट इज पीसीए सो पीसीए होता है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन ये समझो पहले प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन आरबीआई को जब ये लगता है कि कोई बैंक प्रोपरली काम नहीं कर पा रहा उसका एनपीए बहुत ज्यादा बढ़ गया है देखो ध्यान सुनना एनपीए होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट जब किसी बैंक ने इतने सारे लोन दे दिए और वो लोन वापस नहीं आ रहा पैसा वापस नहीं आ रहा तो बैंक की स्टेबिलिटी को ही खतरा पैदा हो गया कि बैंक बर्बाद ना हो जाए बंद ना हो जाए तो हम बोलते हैं कि बैंक का एनपीए बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो आरबीआई देखता है कि अब ये बैंक कहीं और लोन ना दे दे और, और लोन देगा तो खतरा पैदा हो जाएगा प्रॉफिट के चक्कर में तो आरबीआई उस बैंक को डाल देता है पीसीए फ्रेमवर्क में पीसीए फ्रेमवर्क में अगर कोई बैंक जाता है तो वो बड़े इंडस्ट्रियल लोन चैनलाइज नहीं कर सकता ध्यान सुनना अपना और ज्यादा नहीं कर सकता, नहीं नहीं सकता, सकता डिसीजन लेगा यानी आरबीआई ने क्या कर दिया उसे एक तरह से पिंजरे में बंद कर दिया मतलब लाइक उसके हर डिसीजन को आरबीआई कंट्रोल करेगा जब तक उस बैंक की हालत सुधर ना जाए उसकी हालत सुधरने का मतलब क्या है कि वो छोटा छोटा बिजनेस करेगा और सिचुएशन को अपनी हालत को ठीक करने की कोशिश करेगा तो फाइनेंशियल से तो बच्चे कोई लेना देना नहीं है जब उसके एनपीएस ठीक लेवल पर पहुंच जाएंगे मतलब कि उसकी हालत थोड़ी स्टेबलाइज हो जाएगी तो आरबीआई रिमोट एरिया को मैंने बोला ना टू प्रोवाइड बैंकिंग सर्विसेज टू एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया ओके okay जी जी चलिए जी आगे चलते हैं नेक्स्ट सोन चिड़िया लोगो एंड ब्रांड लॉन्च बाय हां जी हमारे पास एक नई न्यूज है ठीक है सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इन्होंने हमारे पास एक ब्रांड लोगो और ब्रांड नेम लॉन्च किया सोन चिड़िया टू मेक द प्रोडक्ट्स ऑफ अर्बन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ठीक है यहां पर देखिए ध्यान सुनिएगा लोग और ब्रांड नेम लॉन्च हुआ है चिड़िया के नाम से टू प्रमोट सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में मैंने आपको बताया कि ग्रुप को 20 लाख तक का लोन दिया जा सकता है विदाउट को डू रिमेम्बर सेल्फ हेल्प ग्रुप को आरबीआई की नई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग मैक्सिमम कितना लोन मिल सकता है हां जी विजेता जी मैं आपको गलत नहीं बता रहा हूं बट मैं थोड़ा सा उसको प्रॉपर इंग्लिश में ही बताने की कोशिश कर रहा हूं आपने बिल्कुल सही बताया कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है हाँ जी स्टूडेंट्स यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बता दो एक बार हाँ जी बच्चे किसी को कोई डाउट है तो बता दो हाँ जी आज हम इतना ही करेंगे ठीक है इसके बाद तो नेक्स्ट क्लास होनी है जीएसटी के ऊपर तो अगर आप वो देखना चाहें तो देख सकते हैं अगर आपने स्पेशली पंजाब से रिलेटेड अगर एक्साइज इंस्पेक्टर का पेपर भरा है तो चलिए आज यहीं तक ही ठीक है आज के लिए इतना ही थैंक यू स्टूडेंट्स